हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेन। एडुटेन पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट की न्यू डेटा पॉलिसी आई है, प्राइवेसी पॉलिसी, उसमें जो भी सोशल मीडिया कंपनी है या जो भी बड़े बड़े कंपनी है जिससे आप कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको लेकर के भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आपको क्या करना है। जो भी कंपनीज हैं उनको, जिनके 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जिनके पास, उन्हें ग्रीवांस ऑफिसर का नियुक्ति करना। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्रीवांस ऑफिसर होता कथी है, एक करेगा का। मान लीजिए कि भारत सरकार जब कह रही है कि नहीं आपको ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना है, तो काहे कह रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसको लेकर व्हाट्सअप सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो यहाँ ग्रीवांस ऑफिसर का लिस्ट दिया गया। परेश बिलाल हैं जो कि व्हाट्सएप के हैं, हैदराबाद में बैठेंगे। धर्मेंद्र चतुर इन्हें बनाए ट्विटर के, बेंगलुरु में बैठेंगे। स्फूर्ति प्रिया इन्हें ही दिल्ली में बैठेगी फेसबुक की, क्योंकि जो ग्रियर ये माउंटेन व्यू अमेरिका में फिलहाल बैठ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि आपका जो ग्रीवांस ऑफिसर है इनको अमेरिका में नहीं बैठना। अब ये करेगा क्या, इससे आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, इसका क्या काम है, ये सब हम आगे के वीडियो में बताते हैं। देखिए, जो भी नया आईटी नियम आया है भारत सरकार का, इसमें ग्रीवांस ऑफिसर का ज्वाइनिंग कराना है। व्हाट्सएप ट्विटर शिकायत अधिकारी तैनात कर दिए हैं। आपको अगर इनसे जो भी व्हाट्सएप पे कोई कंटेंट उपलब्ध है, मान लीजिए कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कोई टेक्स्ट है या कुछ भी है, इस सब से आपको कोनो आपत्ति है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आप जब शिकायत करेंगे, मान लीजिए शिकायत करेंगे तो उसका निवारण भी तो इनको करना है, तो 24 घंटा के अंदर में आपको रसीद मिलेगा। रसीद मान लीजिए कुछ पैसा वैसा जमा कर देते तो आपको रसीद मिलता है, तो ऐसा नहीं, एगो रसीद मिलेगा आपको प्रूफ कि आप शिकायत कर लिए। 50 लाख से ज्यादा यूजर्स तो रखना होगा शिकायत अधिकारी, 50 लाख से जिसका ज्यादा यूजर है वो क्या करेगा, उसको ही रखना जरूरी है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि खाली सोशल मीडिया, मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के पास क्या बहुत सारे यूजर्स है, तो फ्लिपकार्ट पे भी आप देखते होंगे कि कोई भी होता है, कोई सामान है, उसके नीचे क्या होता है, रिव्यू लिखा रहता है, तो अगर उससे भी किसी को आपत्ति, उससे कोई गलत कमेंट कर दिया, तो भी उसका भी ग्रीवांस ऑफिसर है नियुक्त करना होगा फ्लिपकार्ट को, उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रीवांस ऑफिसर का क्या करेगा, ई का करेगा कि यूजर अगर शिकायत करता है तो उसको 36 घंटे में कंटेंट हटाना है, 24 घंटे में रसीद दे देना है यूजर को, 15 दिन के अंदर शिकायत का समाधान करना है, और पोर्नोग्राफी जैसा कंटेंट अगर कुछ हो है तो उसको 24 घंटा में हटाना है। ठीक है, देखिए अब कौन कौन कंपनी किसको ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है, कहाँ कहाँ उसका ऑफिस है, इसको देखने के लिए आप हम वेबसाइट बता रहे हैं, इस पर grievanceofficer.com, इस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके तहत हुए 36 घंटा में उसको हटा देना है, पोर्नोग्राफी या किससे रिलेटेड वीडियो है तो 24 घंटा में। अब सरकार का क्या कहना है, सरकार का कहना है कि नए नियम के से क्या होगा कि लोगों को फायदा होगा, लोग क्या करेंगे कि जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको फायदा होगा। ठीक है, मैंने सरकार मान लीजिए कोई नियम लाती है तो उसके पक्ष विपक्ष में तो कुछ बोलती है, तो सरकार क्या बोलती है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया कुछ भी, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। अब नए नियमों के से क्या होगा कि सोशल मीडिया में क्या होगा, बिचौलियों की आवश्यकता है ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई, अब देखिए सरकार इसको लाना क्या चाहती है, मान लीजिए कोई फेक खबर है उसको कहीं से प्रसारित किया गया, तो इससे क्या होगा कि सरकार का उस खबर पे नजर बना रहेगा। ठीक है, तो ये सब सरकार को क्या है कि फायदा है, ये सब समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग बताएंगे कि कौन सा ग्रीवांस ऑफिसर कहाँ बैठ रहा है। ठीक है, कौन सा ग्रीवांस ऑफिसर कहाँ बैठता है, उसका एड्रेस आप उससे कैसे मिल सकते हैं, आप उसको कैसे अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको आगे बताते हैं, जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का जो ग्रीवांस ऑफिसर होगा इसको आपको कांटेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सेटिंग में जाना है व्हाट्सएप की, वहाँ हेल्प सेक्शन होगा, वहाँ पे कांटेक्ट है। अब देखिए, वो व्हाट्सएप एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, उसमें व्हाट्सएप पे है जिसमें पेमेंट कर सकते हैं, तो सेटिंग में जाना है, पेमेंट्स में जाना है, हेल्प में जाना है, फिर
और पेमेंट हिस्ट्री से लेकर के, मान लीजिए किसी को पैसा भेजे, आप पैसा फंस गया चाहे कोई ना प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए क्या करना है, सेटिंग में जाना, पेमेंट्स में जाना, पेमेंट हिस्ट्री में जाना, उसके बाद ट्रांजेक्शन डिटेल्स में, उसके बाद हेल्प पे में, चाहे आप पेमेंट मैसेज या ट्रांजेक्शन डिटेल, चाहे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, कोनो दिक्कत हो व्हाट्सएप पे तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, 7 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक व्हाट्सएप आपका शिकायत सुनेगा। यहाँ पे दिखाएगा कि कैसे आप जा सकते हैं सेटिंग हेल्प, ठीक है, फिर कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं कि हाँ क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए फेसबुक भी क्या किया, व्हाट्सएप की तरह ही एगो पोस्ट टाइप का बनाया है कि कैसे गाइड बनाया है कि कैसे आप ग्रीवांस ऑफिसर का मदद ले सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से भी आप ग्रीवांस ऑफिसर को अपना कंप्लेन भेज सकते, पोस्ट ऑफिस के पोस्टल कोड यहाँ परेश बिलाल व्हाट्सएप ग्रीवांस ऑफिसर, यहाँ बजाबते पोस्ट बॉक्स नंबर तक भी दिया गया है, 56 रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स हैदराबाद, यहीं पे ही क्या होगा, परेश बिलाल जी यहाँ पे बैठेंगे। अब इनसे कौन आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो इनका के मैसेज कीजिए चाहे पोस्ट भेज दीजिए, इनका पिन कोड नंबर यहाँ दिया हुआ है, तेलंगाना में बैठेंगे, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। उसके बाद है, अब देखिए अब इसका गूगल है, अब गूगल क्या किया कि अभी अमेरिका में अपना ग्रीवांस ऑफिसर बैठा रहा है, अमेरिका में अपना ग्रीवांस ऑफिसर कहाँ बैठा रहा है, अमेरिका में, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि आप अमेरिका में नहीं बैठा सकते, आपको जो भी बैठाना होगा ग्रीवांस ऑफिसर हमारे देश में बैठाना, तो इनको भी आना होगा। फेसबुक का हैकर भी है, ठीक है, ये अभी अमेरिका में बैठ रहे हैं, लेकिन जो इनका नाम है वो एक आपको नाम आगे बताया, उनको भी वो नया बनने वाली है। इसके अलावा आप डाक भेज सकते हैं फेसबुक को, 210 ओकला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज सेकेंड न्यू दिल्ली 11020 पर, कौन आपको कंप्लेन होता। अब देखिए आप गूगल को अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको अली आपको जाना होगा support.google.com पर /legal/troubleshooter/1114, ये वो वेब पेज है, ठीक है, इस पे जा करके आप शिकायत कर सकते हैं। आपको यूट्यूब के लिए शिकायत करना है, मान लीजिए यूट्यूब पे कोई ऐसा कोनो कंटेंट है इसको आप हटवाना चाहते हैं, तो इसके लिए support.google.com/youtube/answer/ इतना पेज पर जाना। अभी गूगल का एक और ऐप है जिसका नाम है गूगल पे, तो गूगल पे के लिए आप सपोर्ट डॉट वही सब क्या है इसको नोट कर लीजिए, आपको जो भी शिकायत करना हो आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। चाहे आप गूगल का एक फ़ोन नंबर है 1800-419-0147 पर कस्टमर केयर है, इसको फ़ोन कर दे। अच्छा गूगल को आप नोटिस भी दे सकते हैं, तो एक वो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे गूगल का, इस पर नोटिस भेज सकते हैं, ग्रीवांस ऑफिसर इंडिया हाउ कैन यू कनेक्ट इट हेल्प सेंटर का नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लास्ट में है ट्विटर, अब ट्विटर को भी आप कर सकते हैं, ट्विटर के लिए हम आपको आगे ही बता दिए हैं उनके ग्रीवांस ऑफिसर का नाम। आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।